वाला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब रफीक राजवाना की मुलाकात। लाहौर में वजीर आजम पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब रफीक राजवाना के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में भावे दिलचस्पी के उमूर, अमन आमा की सूरत हाल और सूबे में आवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात वजीर आला हाउस पंजाब में हुई। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए के वसाइल बचाकर शानदार मिसाल कायम की है। दौरे आमरियत में तरक्याती मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। इस वक्त के हुक्मरानों ने कागजी मनसूबों के जरिए अपनी जेबें भरी। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफियत और आला मेयार के साथ मनसूबों की तकमील हमारा तर्ज इम्तियाज है। मौजूदा हुकूमत की शफाफियत और मेयार के साथ मनसूबों की तकमील को बैनुल अक्वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत पर कोई मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकता। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि जनूबी पंजाब की तरक्की और वहाँ की आवाम की खुशहाली के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया गया। जनूबी पंजाब की आवाम की तरक्की और खुशहाली इंतहाई अजीज है। तरक्याती और दीगर प्रोग्रामों में जनूबी पंजाब के कोटे में इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत ने आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए मौसर इकदाम उठाए हैं। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यादत में आवाम की तरक्की और खुशहाली के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलतों की फरहमी के मिशन पर गामजन है। हमारा हर कदम आवाम की फलाह बहबूदी और इनके मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए उठ रहा है। गवर्नर पंजाब रफीक राजवाना का कहना था कि वजीर आला शहबाज शरीफ और इनकी पूरी टीम इंतहाई मेहनत से सूबे के आवाम की खिदमत कर रही है। पंजाब हुकूमत की फलाह आमा के मनसूबों से कौम मुस्तफीद हो रही है।